कोटा में 3 वर्षों से कोई कोटेदार नहीं था, जिसके चलते कोटेदार के चयन के लिए खुली बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र मिश्रा और बसीर ने दावेदारी जताई। कोटे के चयन के लिए गांव के प्राइमरी स्कूल में खुली बैठक हुई। बैठक में लोग जुटे, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे थे। बैठक के बीच लोगों ने शोरगुल शुरू कर दिया, जिसमें वोटिंग नहीं हो पाई। पर ग्राम पंचायत अधिकारी हरिंदर पाठक ने जबरदस्ती राजेंद्र मिश्रा को कोटेदार घोषित कर दिया। इस बात पर ग्राम प्रधान राम निहाल यादव ने कोटा चयन करने आए अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाया है। सिद्धार्थनगर जिले के राप्ती नदी में चल रहे गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। दीपक राप्ती नदी में गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए गया था। मूर्ति विसर्जन के दौरान वो नदी में डूब गया। आज पूरा दिन गोताखोरों के साथ पुलिस के लोग नदी में दीपक वर्मा को ढूंढते रहे, लेकिन उसका अब तक कहीं पता नहीं चल पाया। नदी में दीपक के डूबने की खबर से पूरा माहौल गम में बदल गया। करौली में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में सुगंध दशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान महावीर के चरणों में धूप देकर श्रद्धालुओं ने जीवन में खुशहाली की कामना की। मंदिर के पंडित मुकेश जैन शास्त्री ने बताया कि जैन श्रद्धालुओं ने सुगंध दशमी के पर्व पर भगवान महावीर के चरणों में धूप अर्पित कर प्रार्थना की। क्षेत्र में अमन चैन सद्भावना का संचार हो और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ सभी लोगों ने जीवन में उन्नति की कामना की। सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हिंडोन सिटी शाखा प्रबंधक तुषार खत्री, LI तेजराम बेनीवाल की मनमर्जी के चलते किसानों को फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है, जिससे फसली ऋण लेने के लिए किसानों को रोजाना सहकारी बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। LI की मर्जी से परेशान होकर दिनेश सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया है कि सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा हिंडोन सिटी में किसानों को LI की तानाशाही के चलते फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। मूर्ति विसर्जन के समय नदी में नहाने गए 6 लोग नदी में डूब गए। अचानक हुई चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों ने डूब रहे 3 लोगों को किसी तरह बचा लिया, लेकिन बाकी 3 लोग नहर पानी में डूब गए, जिसमें एक युवक को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। लापता 2 युवकों को गोताखोरों की मदद से ढूंढा गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। NDRF की टीम भी लगाई गई, लेकिन लापता युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया। बताते चले, गणेश मूर्ति के बाद गोमती नदी के बंधा पुल पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए भक्तगण एकत्रित हुए थे। इसी दौरान नदी में नहाने गए 6 लोग नहर में डूब गए। SC ST एक्ट को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एवं करीब 38 सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने दारुल सफा से लेकर हजरतगंज चौराहे तक विरोध प्रदर्शन करते हुए SC ST एक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़क जाम करते हुए नारेबाजी की। वहीं ब्राह्मण समाज के लोग CM आवास की तरफ भी कूच करने के लिए सड़क पर आगे बढ़े थे, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें गांधी प्रतिमा के अंदर खदेड़ दिया।